हमारे कई साथी पूछ रहे हैं कि ये जो जानकारी है, ये जानकारी अगर हम इसको निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। ये बड़ा ही आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि जो भाषा आप बोलते हैं उस भाषा का कहीं ना कहीं कोई ना कोई ओरिजिन होता है, यानी कहीं ना कहीं से वो चलती है, कहीं ना कहीं से वो पहले पैदा होती है। शब्द जितने भी हैं या शब्द जितने भी हैं वो सारे के सारे अपना अर्थ रखते हैं, और जब अर्थ रखते हैं तभी शब्द बनते हैं। कोई भी शब्द या जो शब्दों का समूह है अगर उसका कोई अर्थ नहीं होगा तो निरर्थक होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता, वो शब्द में नहीं आता। इसलिए जो भाषा आप बोल रहे हैं ये आपने अपने माता और पिता और समाज और आसपास की जगह से ली है, या कोई दूसरी भाषा भी आपने सीखी है तो वो किताब से, टेलीविज़न से, वीडियो से, ऑडियो से, या कहीं जाके उस स्थान पर सीखी है उन लोगों से। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे, खास तौर से जो भाषा आप बचपन से सीखी और बोली है, जो आपकी मातृभाषा यानी कि जो माँ की भाषा, अम्म की भाषा कहलाई जाती है, खास तौर से हम उसकी बात कर रहे हैं, उस भाषा के जितने भी शब्द हैं वो लोकोक्तियों में, यानी कि जो लोग बोल चाल हैं, कहीं लिखी भी नहीं है तो उसकी चिंता की बात नहीं है, उसके उपयोग में, उसकी जो पुरानी भाषा है, जो पुराने लोग उसको बोलते हैं, पुराने नाम हैं, खास तौर से जो पुराने लोगों के नाम हैं और या जो पुरानी जगहों के नाम हैं, या जो फेस्टिवल हैं उनमें, या जो कहानियां सुनाई जाती हैं उनमें, उनके सारे अर्थ छुपे होते हैं। हो सकता है किसी चालाक व्यक्ति ने या अपने मतलब के लिए उन शब्दों को बदल दिया हो, मगर फिर भी अगर आप एक अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो उन शब्दों के बारे में दोनों तरह से सोचिए। अगर किसी ने बदला है तो उसका क्या मतलब हो सकता है, और वो मतलब सब जगह फिट होता है या नहीं होता है, सब जगह फिक्स होता है या नहीं होता है, या सिर्फ एक दो शब्दों में फिक्स होता है, और अगर वो नहीं बदला है तो वो पूरे देश में कहाँ का मैच करता है, कहाँ कहाँ उसका असेंबल होता है। जैसे विशाखापत्तनम एक जगह का नाम है। अब विशाखा जो नाम है वो बौद्ध साहित्य का नाम है, और पत्तनम जो बोलते हैं वो रिवर के पार्ट को बोलते हैं, तो विशाखापट्टनम बताता है कि ये बौद्ध नाम है और ये रिवर के पार्ट को, जैसे पटना है, पटना पार्ट को बोलते हैं, तो ये नाम बताते हैं कि ये नाम पुराने हैं और ये नाम बौद्धकालीन नाम है, यानी पुरानी भाषा के नाम है, ये मगधी के या कौशली के या अशोक लिपि के या पाली के या मगधी के या उस समय जो भी प्रदेश रहे कुरु प्रदेश के, ये उन जगहों के नाम हैं। थोड़ी थोड़ी भाषा में डिफरेंस आता जाता है, मगर जो भाषाविद होते हैं, जो भाषा के वैज्ञानिक होते हैं, उनके लिए तो ये बड़ा आसान काम है, मगर हर व्यक्ति भाषा का वैज्ञानिक बन सकता है अगर वो अपने नाम से शुरुआत करे। आपने सिर्फ इतना करना है कि जो नाम आपको माता पिता ने दिया है आप उसको खोजना शुरू कीजिए, जो जाति आपको समाज ने दी है, जबरदस्ती दी है, या आपने स्वेच्छा से ली है, या आप उसको बिना जाने अनजाने ले ले रहे हैं, उसके बारे में आप जानकारी पता कीजिए कि वो क्या है। आप अपने माँ बाप के नाम के बारे में खोजिए कि उनके जो नाम है उनका अर्थ क्या है, और वो उनके ताऊ चाचा जो भी थे उनके क्या नाम थे। तीन चार पीढ़ी तक का आपको याद होगा क्योंकि लिखित में तो कहीं है नहीं, मगर आपको पुराने नामों से मिल जाएगा। पुरानी जो जगह के नाम हैं वो देखिए, जैसे दिल्ली के नाम कितनी बार बदले हैं। अब दिल्ली की जो कहानी है उसमें कम्मासपुर में जो नाम है, कम्मासपुर का नाम उसमें आता है। हो सकता है कि पाली में पुरानी जगह का नाम इसका कम्मासपुर रहा हो, और कम्मासपुर की जो कथा है सामावती की और मागंदिया की और राजा उदयन की या उदयन की, उसके जो सबूत हैं वो मिलते हैं कैलाश कॉलोनी में, जहाँ पत्थर पर शिला में आज भी अशोक का स्तंभ है, और अशोक ने अपने स्तंभ पर सारी बातें लिखवाई हैं, आज तो उनको पढ़ भी सकते हैं। तो आप सिर्फ अपने नाम के बारे में सोचिए, अपने जाति जो आपको दी है उसके विषय में जानकारी हासिल कीजिए, सारे जितने भी रहस्य हैं वो ऑटोमेटिक खुलते चले जाएंगे। ये इतने गंभीर रहस्य नहीं है कि आप खोल ना सको, भाषा आप सारी जानते हो, सिर्फ आपको उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। धन्यवाद।